एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आपकी होस्ट रश्मि। ऐसे तो मेरे टेरेस पे हमेशा मैं कुछ ना कुछ टेरेस से लेके जाती हूं नीचे, कुछ ना कुछ हार्वेस्टिंग होती रहती है, लेकिन आज मैंने सोचा कि मैं इस पे एक वीडियो बना दूं। मुझे हार्वेस्टिंग देखना बहुत पसंद है, हार्वेस्टिंग करना बहुत पसंद है, तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे गार्डनर दोस्त जितने भी हैं उन सबको भी बहुत अच्छा लगता होगा। तो चलिए चलते हैं मेरे वीडियो में। यहाँ आप लोग देखें, ये पम्पकिन की बेल है और आप देखें कितना घना हो चुका है। यहाँ मैंने इसे सिर्फ इसके लीफ के लिए लगाया है, लेकिन क्योंकि इसके जो ये लीव्स हैं, टेंडर लीव्स जो होते हैं, उसकी सब्जी बनती है और ये ट्रेडिशनल सब्जी बनती है जो हमारे गाँव में बना करती थी पहले, और मुझे बहुत पसंद है। इसलिए मुझे फ्रूट मिले या ना मिले, मैं ये हर साल ज़रूर लगाती हूँ सिर्फ इसकी लीफ के लिए। और एक और इंटरेस्टिंग बात ये है कि इसके जो फ्लावर होते हैं येल्लो कलर के, बड़े बड़े फ्लावर होते हैं, तो उसका भी यूज़ हम पकौड़े में, सैलड में, इन सब चीज़ों में कर सकते हैं। तो आज मैंने इसमें देखा, आप यहाँ देखें, आज मैंने इसमें देखा कि ये फ्लावरिंग भी इसमें शुरू हो गई है, तो मुझे बड़ी खुशी हुई। मैं तो बस लीफ के लिए ही मैंने लगा रखा था इसे। सारे स्टेम में आप देखें छोटे छोटे बर्ड बने हुए दिख रहे हैं, ये देखें, ये इसके बर्ड हैं छोटे छोटे ये। तो अब मैं क्या करूँगी, जितने भी आपको ये लीफ बड़े बड़े बेशक दिख रहे होंगे, लेकिन ये काफ़ी टेंडर हैं, हम इनकी सब्जी आराम से बना सकते हैं। तो मैं आज इसमें से कुछ लीफ हार्वेस्ट करूँगी। कोशिश करें कि आपके लीफ थोड़े टेंडर हों, बेशक ये बड़े हों लेकिन सॉफ्ट होने चाहिए। तो इस तरह से मैं इसमें से निकाल लूँगी। और इस तरह से पत्तों की कटिंग कर देने से हमारा ये थोड़ा थिन भी हो जाता है, हमारी बेल थिन हो जाती है, और जो इतनी ताकत ये मिट्टी से लेते हैं तो कम से कम वो हमारे जो बर्ड निकले हुए हैं उसमें जा सके। तो ये करना भी एक तरह से बहुत अच्छी बात होती है, इसकी थिनिंग हो जाती है। तो हार्वेस्ट करते रहें। इतनी काफ़ी है एक फैमिली के लिए, इतने लीव्स काफ़ी हैं, इसमें अच्छी सब्जी बन जाएगी। आप लोग यहाँ देखें, ये मालाबार स्पिनिच का प्लांट है, बेल है, और चिड़ियों ने खा के बीज, इसके सीड जितने थे खा के, और इधर उधर मेरे पूरे गार्डन में बिखेर रखा है उन्होंने। और ऐसे ही ये सीड उग के इतनी सारी बेलें एक साथ लगी हुई हैं। और आप यहाँ पे देखें, ये 8 इंच का पॉट है और इसमें मेरा ये कोलियस का भी एक प्लांट लगा हुआ है। तो मैं वेट कर रही थी कि जब ये बड़े हों तो मैं इन्हें रूट से ही निकाल लूँ ताकि मेरा ये प्लांट अच्छे से डेवलप कर सके। तो मैं इसको अब देखें, इसमें कितने सारे प्लांट लगे हुए हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, पता नहीं कितने सारे लगे हुए हैं। तो मैं इसको इसमें रहने नहीं दूंगी, नहीं तो मेरा ये प्लांट नहीं चल पाएगा। तो इसको मैं रूट से ही निकालने की कोशिश करूंगी, क्योंकि इसके जो स्टेम हैं वो भी खाए जा सकते हैं, बहुत सॉफ्ट होते हैं। तो इसको मैं इस तरह से इसके रूट से ही, छोटे छोटे रूट होते हैं, ऐसे निकालूंगी। ये देखें, इस तरह से मैं सारे इसको निकाल लूंगी। इतने सारे प्लांट होने से मेरा ये प्लांट दब गया है, तो इसमें
आपको ये देखिए, ये भी काफ़ी है लेकिन इसमें मैं कुछ और ऐड कर दूंगी। और मैंने एक ये वाली बेल प्रॉपर लगा रखी है और आप देखेंगे ये लंबी सी बेल कहाँ गई हुई है, और इसमें जो लीव्स हैं उसके सेपरेट लगाने से इसके लीव्स कितने बड़े बड़े हो जाते हैं वो मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। ये देखें, बहुत हेल्दी और बहुत बढ़िया लीव्स हैं। देखें ये सिर्फ 5 लीव्स हैं और कितने बड़े बड़े हैं। इन दोनों को मिला के मेरा आज का ये कंप्लीट हो गया, ये काफ़ी है हमारी फैमिली के लिए। ये यहाँ देखें, ये हमारा फिर से तैयार रेडी हो गया है। ये बहुत जल्दी बढ़ते हैं, पहले छोटे छोटे इस तरह से होते हैं और 3-4 दिन में ये काफ़ी बड़े हो जाते हैं इस तरह से। और ये आपको मोटे मोटे दिख रहे होंगे लेकिन ये बहुत सॉफ्ट और बहुत बढ़िया है अंदर से। तो आज मैं इसको भी हार्वेस्ट कर लूँगी ताकि ऊपर की तरफ और ज़्यादा फ्रूटिंग हो सके। जब तक हम हार्वेस्ट नहीं करेंगे सारी एनर्जी यही सारे प्लांट यही सारे फ्रूट लेते रहेंगे और जो छोटे वाले हैं उसको बड़ा नहीं होने देंगे। ये देखिए यहाँ पे ये छोटा है, ये मुझे लगता है थोड़ा और बड़ा होगा इसलिए मैं इसको छोड़ दूँगी। ये एक छोटा यहाँ पे दिख रहा है तो इस तरह से। यहाँ देखें, यहाँ भी कुछ छिपे हुए हैं, इनको भी मैं हार्वेस्ट कर लूँगी। कुछ कुछ टाइम बाद हमें ये हार्वेस्टिंग मिलती रहती है। जब ये खेतों में होते हैं तब एक ही प्लांट पे बहुत सारे होते हैं, लेकिन जब गमले में हम इसे लगाते हैं तो कुछ दिन रुक के फ्रूटिंग होती है। जैसे एक बार मैंने हार्वेस्ट कर लिया, कुछ दिन वेट करूँगी 15-20 दिन, फिर फ्रूटिंग इसकी शुरू हो जाएगी। इस तरह से गमलों में ये बढ़ते हैं। काफ़ी मजबूत है इसकी बेल। ये देखें फ्रेश, बहुत ही अच्छी। ये देखें मेरा वही मिंट का प्लांट है जिसे आप लोगों ने इतना पसंद किया, और ये इतनी बार हार्वेस्टिंग करती रहती हूँ फिर भी इतना हरा भरा और खूबसूरत है, और ये फुल सन में रखा हुआ है। मैं आप लोगों को इसीलिए बार बार, आप लोगों का कमेंट आता है कि इसमें कीड़े लग रहे हैं क्या करें कैसे क्या, जब ये बहुत ज़्यादा शेड में रहेगा तभी इसमें कीड़े लगने के चांसेस होते हैं। जब आप इसको फुल सन में रखेंगे तो कीड़े लगने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, और अगर बाई चांस इसमें कीड़े लग भी गए तो इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ रही है अभी कि 44 डिग्री टेम्परेचर जा रहा है, तो उसमें आपको इसमें किसी भी पेस्टिसाइड का इस्तेमाल नहीं करना है। अगर आपको कीड़े दिखें तो आप उसको स्प्रे बॉटल से तेज़ धार में पानी का स्प्रे करें, इस पर उल्टी करके पत्तियां जहां पे भी आपको कीड़े दिखें, इससे वो कीड़े नीचे ज़मीन पे गिर जाते हैं और आपका प्लांट प्रोटेक्टेड हो जाएगा। तो हमेशा इस तरह हर एक दिन दो दिन बीच करके आप इस पर वाटर स्प्रे करते रहें तो कीड़ों से भी आपको निजात मिल जाएगा। हर कुछ कुछ दिन पे इसकी इस तरह से हार्वेस्टिंग करते रहें तभी ये प्लांट और तेज़ी से बड़ा होता रहेगा। जहाँ जहाँ आपको लगे कि एक्स्ट्रा ग्रोथ हो रही है वहाँ से आप पत्तियाँ ले लें। इस तरह से यूज़ करें, आपका प्लांट हेल्दी रहेगा, शेप में रहेगा और चलता रहेगा। देखें इतना काफ़ी है। ये देखें गर्मियों में गुलाब तो होते हैं मेरे क्योंकि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो गया है, लेकिन इसके साइज़ देखें कितने छोटे छोटे हो गए हैं, जबकि सर्दियों में ये गुलाब काफ़ी बड़े बड़े होते हैं। तो इन सब को मैं ऐसे ही नहीं जाने देती जाया, सबको मैं तोड़ लूँगी। जो मैं अपना काढ़ा या टी लीफ, जो लेमन ग्रास वाले जो हम बनाते हैं, काढ़ा बनाते हैं या कोई भी हेल्दी ड्रिंक बनाते हैं, तो उसमें मैं इसका इस्तेमाल कर लेती हूँ। इसलिए अभी ये दोपहर तक बिल्कुल सूखे सूखे से हो जाएंगे गर्मी में, इसलिए वेस्ट ना हो इसलिए मैं इनका इस्तेमाल कर लूँगी। बहुत अच्छी खुशबू है इसकी, तो इस तरह से हम इनकी टी बना करके पी सकते हैं। बहुत ही हेल्दी ड्रिंक में ये माना जाता है।
इसको भी ले लेती हूँ क्योंकि दोपहर तक इनकी लाइफ ख़त्म हो जाएगी। ये थोड़े से हिबिस्कस खिले हुए हैं, ये भी ले लूँगी। और मैं जो स्पेंट हिबिस्कस होते हैं एक दिन पहले के खिले हुए, ये देखें, ये सब एक दिन पहले के हैं, तो इन सब का इस्तेमाल करना मैं बेहतर समझती हूँ क्योंकि ये तो खिले हुए हैं, तो ये सब भी मैं वेस्ट नहीं करती। इस तरह से देखें, यहाँ पे ये देखें, देखें ये वही लेमन ग्रास है जिसकी मैंने रिपोर्टिंग की थी और इस पर वीडियो भी मैंने बनाई थी, और पूरा नीचे से इसे मैंने कट कर दिया था, लेकिन अभी देखें कितना हेल्दी ग्रोथ है। ये दोनों प्लांट है मेरे, रोज़ इसमें से मैं लीफ ले जाती हूँ, रोज़ इसकी हार्वेस्टिंग करती हूँ, लेकिन फिर भी ये इतने घने और सुंदर हैं। आज भी मैं इनमें से थोड़ा सा ले लूँगी, और इनकी सूखी पत्तियों को भी बिल्कुल ना फेंकें क्योंकि बड़े काम की होती हैं। इस तरह से कट करते रहती हूँ और वो होता रहता है, इतनी काफ़ी है। देखें ये भी तुलसी की ही एक वैरायटी है और इसको बन तुलसी के नाम से जाना जाता है। इसकी मेडिसिनल वैल्यू बहुत ज़्यादा है और मैं इसका इस्तेमाल अपने डे टू डे इसमें करती रहती हूँ, चेंज कर कर के हम ड्रिंक बनाते रहते हैं। और आपको मालूम हो ये कैंसर जैसी बीमारियों से भी लड़ने में बहुत मदद करती हैं, और मैं तो इसके जो ये मंजरियाँ होती हैं ये भी बहुत ज़्यादा परफ्यूम्ड होती हैं, बहुत अच्छी खुशबू होती है, तो मैं ये आप अगर दो भी डाल देंगे ना इस तरह से अपने टी में, हर्बल टी में, तो ये काफ़ी है, इसका अरोमा बहुत अच्छा होता है। तो इसको भी मैं आज थोड़ा सा ले लेती हूँ। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। लिव नेचर, लव नेचर, थैंक यू।